अल्लाह की सिफत के जरिए बताऊं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अलीम व खबीर जो अल्लाह है, ये ख्याल जहन से ओझल हो जाता है। अल्लाह ने माह रमजान इसलिए अता फरमाया ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए और तुम्हारा ये यकीन हो मेरा मौला जानता भी हो, मेरा मौला बाखबर भी, ये तुम्हारा ईमान और ये तसव्वुर इतना पुख्ता हो जाता है कि दरवाजे पे कोई पहरा देने वाला या खाने के ऊपर और पानी के ऊपर कोई ताला लगाकर रखने वाला न भी हो, तब भी अल्लाह का बंदा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बगैर किसी के डराने के, धमकाने के, सजा के तौर पर किसी चीज के डर के बगैर, बंदा सिर्फ सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इन तीन चीजों से बचता है, तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो ईमान जो उसका कमजोर था, अलीम व खबीर रब पर ईमान माह रमजान में कब होता है। तो ये माह मुबारक हमारे ईमान की पुख्तगी के लिए आया है, ईमान की मजबूती के लिए आया है।